नमस्कार, मैं हूं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे चैनल समर्थ सहारा में। आज हम आपको प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नगर निगम प्रशासन द्वारा नया बाजार की वर्णी कॉलोनी में रविवार शाम को एक जर्जर मकान को ढहाते समय मकान का हिस्सा बाजू वाले मकान पर गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया। यहाँ हम आपको बता दें कि नया बाजार के वर्णी कॉलोनी स्थित एक 4 मंजिला मकान के बाजू में एक प्लॉट खाली था और उसमें पानी के रिसाव के चलते 4 मंजिला मकान अपनी बाई तरफ 6 इंच झुक गया। ननफाना में स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस और नगर निगम की टीम ने मकान की जांच कर मकान खाली करवा कर मकान ढहाने की योजना बनाई और शनिवार दोपहर से मकान गिराने की कार्यवाही शुरू की, लेकिन शनिवार देर रात आधा मकान ही ढहाया जा सका, जिसके बाद दूसरे दिन रविवार दोपहर से फिर मकान के आधे हिस्से को ढहाने की कार्यवाही शुरू की गई और जेसीबी जैसे ही मकान को गिरा रही थी तो मकान का एक हिस्सा सीधा ना गिर कर बाजू वाले मकान पर जा गिरा, जिससे बाजू वाला मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है जो मकान क्षतिग्रस्त हुआ है वहां 2 बेटे अपनी मां के साथ रहते हैं, उनके पिताजी नहीं हैं। यह जानकारी लगते हुए स्थानीय विधायक शैलेंद्र जैन भी मौके पर पहुंचे, मदद का पूरा भरोसा दिया। वहीं स्थानीय निवासियों और नगर निगम प्रशासन ने भी मदद का भरोसा दिया है। विदित है संजय बड़ौदा वाले इस मकान में निवास करते थे, जो धारा साल के रूप में आपको दिख रहा है, डिसमेंटल हो चुका है। ये मकान 5 माला मकान था। ये मकान अपने बाईं तरफ काफ़ी हद तक झुक गया था, इसकी दूरी लगभग ऊपर से अगर अपन देखें तो 3 फिट की दूरी हो गई। संभावना प्रबल थी कि ये पास के मकानों के ऊपर ये बिल्डिंग गिर सकती है, इससे जन धन की हानि होना पूर्णतः संभावित था। इसमें नगर निगम ने तत्काल इनिशिएटिव लिया, उनके पास सूचना प्राप्त की, उनके द्वारा पुलिस प्रशासन सहयोग के लिए यहाँ लगातार हमारा कल से प्रयास था कि इस मकान को डिसमेंटल कर दिया जाए। उसी कड़ी में अभी जो 5वां माला था उसको डिसमेंटल कर रहे थे, करते समय पूरा बिल्डिंग ही डिसमेंटल हो गया, वो पूरा मकान ही धराशायी हो गया। और दुखद थोड़ा सा ये हुआ कि जो बगल में था इसका भी 1 माला डैमेज हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और नगर निगम कमिश्नर सर से मेरी बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा है जो वैधानिक प्रक्रिया को अपनाते हुए निश्चित रूप से इनका जो साइड वाले मकान का जो डैमेज हुआ है इसकी भरपाई करवाने की कोशिश की जाएगी। और सुखद एहसास मुझे ये कहते हुए हो रहा है कि यहाँ लगभग सकल जैन समाज निवास करता है इस पूरे क्षेत्र में, तो उनकी तरफ से भी बहुत इनिशिएटिव आए। हमारे सुभाष भाई भी हैं, मैं परिचय कराना चाहूँगा। सुभाष जैन साहब, एक अशोक जैन वीरा किराना वाले, इन लोगों ने तत्काल ही यह इनिशिएटिव उठाते हुए इनको आश्वासन दिया है सुभाष भाई की तरफ से 2 लाख रुपए और अशोक भाई की तरफ से 1 लाख रुपए के हम इनको देंगे मकान रिपेयरिंग कराने के लिए। और अन्य भी लोग भी आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है वो भी सामने आएंगे। देखा गया है कि कल से प्रशासन और पुलिस नगर निगम जर्जर मकान को तोड़ने का बारीकी से प्रयास कर रही थी, 24 घंटे किससे ज़्यादा हो गया है। हाँ, कल सुबह से ही कार्यक्रम चल रहा था, यूँ देखा जाए तो रात में कुछ समय इंतजार किया कि रात में ये कार्रवाई संपादित नहीं हो सकती, दिनभर से लगे हुए हैं, हो गया टाइम काफ़ी, हो गया 35 घंटे का मान के चला। इस मकान से सबक लेते हुए प्रशासन और पुलिस कुछ करेगी आगे से, चिन्हित करेगी इस तरह की जर्जर मकान? ये तो जो लोग मकान में निवासरत हैं उन्हें ही जागरूक होना पड़ेगा कि आप अपने मकान को एक प्रकार से व्यावसायिक प्रतिष्ठान बना दिए। अब हमें जैसे जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग बता रहे हैं, ये जनचर्चा है, इनसे जानकारी प्राप्त हुई है कि लगभग उसी निवास में 250 टन पन्नी भी रखा हुई, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग एक तरफ झुक गई। तो ये तो जो रहवासी हैं उन्हें देखना पड़ेगा कि हमें अपने निवास स्थान को व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाना है कि नहीं बनाना है, बनाना है तो किस प्रकार से बनाना है, ये तो लागू होना पड़ेगा। तो चलिए, हमारे साथ इस खबर में इतना ही। बाकी प्रदेश की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।